सिवान जिले के मैरवा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दी जा रही है। इसी के तहत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण स्थल का मुआयना किया है। मंगल पांडे ने इसका एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में आप मंगल पांडे की एक दिलचस्प बातचीत को सुन सकते हैं। इस बातचीत के दौरान मंगल पांडे ने मेडिकल कॉलेज को सिवान के इंजीनियरिंग कॉलेज से भी बेहतर बनने की बात कही है। बहरहाल हाल ही में सिवान के जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे ने भी मैरवा में बन रहे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के कार्य में तेजी लाने की बात कही है। बीते दिनों डीएम ने निर्धारित समय पर निर्माण कार्य पूरा कर लेने को कहा। जिलाधिकारी ने अब तक हुए निर्माण कार्य को लेकर संतोष व्यक्त किया और कहा कि स्थानीय लोगों का जिस तरह से सहयोग मिला है वह सराहनीय है। डीएम के मुताबिक किसी भी निर्माण कार्य के शुरुआती दौर में बहुत सारी परेशानियां सामने आती हैं। उसी तरह मेडिकल कॉलेज के निर्माण के शुरुआती दौर में कुछ परेशानियां सामने थी। निर्माण स्थल पर जल जमाव था, फिर भी निर्माण कार्य शुरू हुआ और अब तेजी से कार्य आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर हालत में समय पर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नियमानुसार ठेकेदार पर फाइन होगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि अस्पताल का निर्माण हो जाने से आसपास के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सहूलियत बढ़ जाएगी। अब गंभीर स्थिति में मरीजों को लेकर गोरखपुर या पटना नहीं जाना पड़ेगा। वहीं छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई भी सिवान में पूरी हो सकेगी। यही नहीं, क्षेत्र का भी विकास होगा। जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोगों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। जानकारी के मुताबिक बाईपास सड़क का निर्माण भी प्रस्तावित है। राम जानकी पथ से बाईपास जुड़ेगा और इस तरह यातायात की सुविधा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों का विकास भी होगा। आपने कहा था कि उससे सुंदर बनाऊंगा, ठीक है सर। जल्दी वो भी बनवाना पड़ेगा। हम लोग 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनल बने सिवान, बड़ा बहुत आई बनल है।